came here by this river. इस नदी का नाम है माँ काली. यहाँ पे नहाने के लिए आया था. I'm in Nepal. This is my actually day 2. तो सीन ऐसा हुआ. कल बहुत पंगे हो गए थे. कल बहुत क्रेजी डे था. मैं कल पहुंचा बॉर्डर पे. मेरी 2 लड़कों से मुलाकात हुई. उन्होंने बोला आप हमारे घर पे रुक सकते हैं. मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगा. मैं काफ़ी खुश हुआ. इट्स जस्ट आई अराइव्ड इन नेपाल एंड दिस एक्सपीरियंस. तो वो मेरे को उनके साथ उनके घर पे लेके गए. उन्होंने बोला खर्चा वर्चे की कोई दिक्कत नहीं है. खाना वाना बढ़िया करेंगे, चिल मारेंगे और ऑटो का भी खर्चा हम दे देंगे. हालांकि मुझसे उन्होंने वहाँ पर 100 रुपये मांगे. ऑटो वाला 300 मांगा था. ये मैंने दे दिए. वहाँ पहुँचे, उनके साथ आसपास घूमा. दोनों लड़के थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, टीनेजर्स थे शायद. और बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट थे. यहाँ पे बहुत प्रकार की ड्रगें होती है. दवाइयाँ वगैरह ये सब ले लेके, टॉनिक वगैरह जो होती है, सिरप वगैरह, उसका नशा करते थे. वो बहुत ज़्यादा नशे में थे वो लोग. मैंने बाद में रियलाइज़ करी वो बात. मेरे को नहीं समझ में आया, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज. फिर बाद में उन्होंने बहुत पी ली मेरे सामने. फिर उसके बाद में थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग वियर्ड. वो थोड़े इग्नोरेंट से हो गए. फिर जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे गालियाँ खा रहे हैं. उनके साथ साथ मुझे भी ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन या वियर्ड सिचुएशन में आना पड़ रहा है. तो मुझे लगा कि यार दिस इज़ नॉट द वाइब आई वांट. तो मैंने बोला कि ठीक है मैं चलता हूँ, मेरे को बस मेरा पैसा एक्सचेंज करवा दे. उन्होंने बोला कि हम आपका करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैंने बोला भाई मेरे को जाना है, मैं निकल जाता हूँ, मेरे को वाइब नहीं आ रही यहाँ पर. मैं अपना सामान लेके आगे की तरफ बढ़ जाऊँगा, तो मेरा पैसा एक्सचेंज कर दें. तो उसने बोला ठीक है. और वहाँ पर उन्होंने मेरे को एक ग्रुप से मुलाकात करवाई जो यहाँ की लोकल गैंग है. वेरी क्रेजी, और लेकिन देवर वेरी चिल टू बी ऑनेस्ट. मतलब हाँ, अपना कूलनेस दिखा रहे थे, दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे थे. बट आई एम लाइक पीपल आर चिल विथ मी. डजंट मैटर इफ आई एम सिटिंग विद अ मर्डरर विच आई हैव टू बी ऑनेस्ट व्हाइल ट्रैवलिंग. एंड दे ऑल जस्ट लव मी. ऑल आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न पीपल लव मी. दे फाइंड मी वेरी इंटरेस्टिंग. तो उनसे दोस्ती हो गई वहाँ पर. तो उनके साथ ही हम बैठे हुए थे. तो मैंने बोला इन बच्चों को छोड़ते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ. मैंने बोला भाई जी मेरे को पैसे चेंज कराने हैं. मेरे पास 4000 INR है, इंडियन रुपीस है, जिसके करीब 7500 या 7000 तक का नेपाली रुपीस में कन्वर्ट होगा. आपके पास होंगे तो आप दे दो. तो इसने बोला ठीक है मैं दे देता हूँ. तो इतने में 2 लड़के आए. उन्होंने हम करवा देते, कोई दिक्कत नहीं है. वो मेरे को पैसे मिले, इसको नदी में डाल देता हूँ. तो वो 2 लड़के लेके चले गए. और हालांकि मेरे को उन पे ऐसा वो नहीं था कि चलो ठीक है सही बंदे, वो ले आएंगे चेंज करा के करेंसी को. तो वो लेके गए और वो आए वापस और उन्होंने को 1200 रुपये कम दिए हैं. और मैं काउंट कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या सीन है. इतने में द गैंग स्टेप्ड इन. उन्होंने देखा तो वो गैंग का जो मेन बंदा था, जिसका नाम था पंकज, जो काफ़ी कूल बंदा यार. आई एम नॉट इवन श्योर इफ आई शुड कॉल इट अ गैंग, बट इट वॉज अ गैंग. दे कॉल इट बंडी गैंग और समथिंग. तो बंदा पंकज था. पंकज देखा कि ये तो फ्रॉड कर रहा है बंदे के साथ. यार इतना दूर से चल के आया है, घूमने वाला बंदा है, पैसे कम है, ये कैसे करा. तो पंकज ने सिचुएशन हाथ में ली और जो मारा उसको वहीं पे चौराहे पे, उस लड़के को. मतलब पैसे दे ऐसी ऐसा फुल क्रेजी सीन वहाँ पे, फुल राड़ा हो गया था. और फिर उसने अल्टीमेटली मुझे मेरे बचे हुए पैसे दिए. मेरे पास आई एम ऑल स्क्वायर. तो वो कहता अब निकल जाने से, 2 बंदे थे को छोड़ेंगे नहीं. और वो लोग मेरे को ऐसे खून की नज़र से देख रहे थे. मैंने भी देखा उनको. मैंने बोला उसके पास गया, मैंने सुन भाई एटीट्यूड वो सब बात अलग है. और ये वो मेरे को बोलते हैं तूने मारा. मैंने बोला यार मेरे तो हाथ में कुछ था ही नहीं, मेरे तो कोई सिचुएशन सब तेरी आंखों के सामने. उल्टा मैं वो 2 लड़कों को डिफेंड कर रहा था कि मेरे को नहीं लगता कि ये 2 बंदे चोरी चकारी करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे. वो सामने वाले बंदे ने इनको पैसे नहीं दिए होंगे, लोग नशे में, इनको क्या पता होगा. तो फिर उसने बोला इसके पैसे ला के दे. तो उसको घर भेजा उसके. फिर वो पैसे ला के दिए. उसने मेरे को पैसे दिए, मेरी तरफ देखा भी नहीं और चले गए वो लोग. उसने बोला तेरा सामान बाहर रख दिया, जाके ले ले. मेरे को बड़ा भाई कह रहा था वो तब से. मैंने बोला चल ठीक है. मेरे को रास्ता तो पता ही नहीं है. मैंने उसको कॉल लगाया. मैंने बोला भाई तेरे घर तक तो लेके चल रहे, रास्ता मेरे को क्या पता है कौन से गाँव के अंदर कहाँ पर रास्ता है. तो उसने बोला आपको ना, आपको जानता नहीं हूँ मैं. मैंने बोला वाह भाई. फिर मैं जैसे तैसे मेरे इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करके गया. मैं घर पहुंचा, मैंने वहाँ पे सामान लिया मेरा सारा. उसने मेरा स्लीपिंग बैग ऊपर टांग के ऊपर रख दिया था, एटिक होता है वो, दिखा नहीं मेरे को. उसने मेरा सिर्फ कुछ सामान बाहर रखा मेरा. तो फिर मैं जाके लेके निकला, अंदर गया, मैंने अपना जैकेट लिया. थोड़ा आगे गया, मैंने रियलाइज़ करा स्लीपिंग बैग नहीं है, क्योंकि मेरे को वहाँ पर दिखा भी नहीं. मैंने सोचा पता नहीं मेरे दिमाग में नहीं है. फिर मैं गया मैंने ढूंढा वहाँ पे अंदर, फिर मेरे को ऊपर टांग पे मेरा स्लीपिंग बैग देखा, मैंने सामान वामान लिया वहाँ से, मैं निकला। फिर वो बंदा मेरे को मिला वहाँ पे चौराहे पे, पंकज, उसने मेरे को छोड़ा बस अपनी बाइक पे नियर दिस टेम्पल आई एम स्टेइंग इन। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। खाना वाना खाया मैंने कल रात को, वहाँ पे बाबा ने खिलाया, पेट भर के खाना खिलाया, और इतना टेस्टी खाना, एकदम सिंपल बट बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मेरी और लोगों से मुलाकात है। उन्होंने बोला आपकी बस की टिकट हम कोशिश करेंगे कम कराने की, मेरे को काठमांडू निकलना है यहाँ से। ऐसे सीन हुए day 1 इन नेपाल। जैसे ही मैं यहाँ पे आया मैंने सोचा कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बट देन स्टिल इज ब्यूटीफुल, बट आई विल बी मोर केयरफुल विद दीज टीनेजर्स, दीज हायर टीनेजर्स। एनीवेज गुड। वैसे इस नदी की बहुत ज़्यादा मान्यता है। संकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम्।